नमस्कार, चाणक्य IAS एकेडमी में आपका स्वागत है। द्वितीय विश्व युद्ध और नाजी सेना के अत्याचारों की पृष्ठभूमि में अब तक की जितनी भी फिल्में बनी हैं, उनमें सिंडलर्स लिस्ट को निर्विवाद रूप से, मतलब बिना किसी विवाद के, सर्वोच्च स्थान पर रखा जा सकता है। सिंडलर्स लिस्ट स्टीवन स्पीलबर्ग द्वारा निर्देशित और निर्मित और स्टीवन जिलियन द्वारा लिखित 1993 की अमेरिकी ऐतिहासिक ड्रामा फिल्म है। यह ऑस्ट्रेलियाई उपन्यासकार थॉमस कैनली द्वारा 1982 के ऐतिहासिक उपन्यास सिंडलर्स आर्क पर आधारित है। चलिए अब हम आते हैं दूसरी तरफ। भारत के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह यानी कि इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया या IIFI का 53वां सम्मेलन गोवा में संपन्न हुआ। पहली बार IIFI के साथ ब्रिक्स फिल्म समारोह की मेजबानी की गई। OTT प्लेटफॉर्मों ने भाग लिया और IIFI में सिनेमा के 75 रचनात्मक युवा दिमागों को सम्मानित किया गया। इसी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया के जूरी हेड ने द कश्मीर फाइल्स को भद्दा प्रोपेगेंडा फिल्म बताया है। 15 फिल्म्स इन द इंटरनेशनल कंपटीशन, द फ्रंट विंडो ऑफ द फेस्टिवल, 14 आउट ऑफ देम हैड देयर सिनेमैटिक क्वालिटीज एंड डिफॉल्ट्स एंड इवोक्ड विविड डिस्कशंस। We were, all of us, disturbed and shocked by the 15th film, by the movie Kashmir Files, that felt to us like a propaganda vulgar movie, inappropriate for an artistic competitive section of such a prestigious film festival. Kashmir Files film Vivek Agnihotri ki film hai. इसे लेकर इजरायली फिल्म निर्माता और भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के जूरी प्रमुख नदव लापिड ने एक दुष्प्रचार वाली फिल्म कहा है। उन्होंने इस फिल्म की निंदा करते हुए इसे भद्दा भी कहा है। फिल्म फेस्टिवल में इस फिल्म की स्क्रीनिंग देखकर जूरी ने हैरानी जताई। जूरी ने कहा कि इस फिल्म को देखकर हम सभी हैरान हैं। इसे देखकर हमें लगा कि यह केवल एक प्रचार करने के लिए और एक वल्गर फिल्म है। इस तरह की फिल्में एक जाने माने फिल्म फेस्टिवल के एक कलात्मक प्रतिस्पर्धी वर्ग के लिए ठीक नहीं है। तो विवेक अग्निहोत्री के डायरेक्शन में बनी द कश्मीर फाइल्स में 90 के दशक में घाटी में कश्मीरी पंडितों पर हुए अत्याचार की कहानी दिखाई गई है। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर हिट साबित हुई थी। अब हमारे सामने दो उदाहरण है, पहला सिंडलर्स लिस्ट और दूसरी कश्मीर फाइल्स। सिंडलर्स लिस्ट जो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान यहूदियों पर होने वाली प्रताड़ना को दिखाती है, न केवल बॉक्स ऑफिस पर सफल रही बल्कि 7 कैटेगरी में ऑस्कर अवार्ड से सम्मानित भी इसे किया गया। साथ ही बिना किसी विवाद के इसे वैश्विक स्तर पर सराहा भी गया है। वहीं दूसरी तरफ कश्मीर फाइल्स भले ही बॉक्स ऑफिस पर एक सफल फिल्म रही हो, लेकिन इस फिल्म का विवाद में बना रहना आज भी जारी है। ऐसा नहीं कि हम इस वीडियो में सिंडलर्स लिस्ट और कश्मीर फाइल्स की तुलना कर रहे हैं, बस एक उदाहरण के रूप में इसे शामिल किया गया है। अब रही बात फिल्म के विवादित होने की, ऐसा नहीं है कि देश में इस तरह की फिल्में पहली बार बनी है, मतलब किसी दंगा पर आधारित फिल्म हो या किसी खास मजहब पर होने वाली प्रताड़ना को दिखाने की बात हो। पहले भी ऐसी कई फिल्में या टीवी सीरियल्स आए हैं जिनके सब्जेक्ट किसी दंगे पर आधारित हो या किसी वर्ग या मजहब पर होने वाली जुल्म को दिखाया गया। अमू, काया तारण 1984, ए सिख हिस्टोरी, दिल्ली 1984, 47 से 84, रूबरू, रोशनी और 31 अक्टूबर 1984 के दंगे पर बनी थी। वहीं बॉम्बे, फिराक, मिस्टर एंड मिसेस अय्यर, अर्थ, ब्लैक फ्राइडे, ये फिल्में हिंदू मुस्लिम दंगों पर आधारित हैं। हालांकि थोड़े बहुत विवाद को छोड़ दें तो ये सभी फिल्में सराही गई हैं। हाँ, यह अलग बात है कि ये बॉक्स ऑफिस पर ज़्यादा सफल नहीं रही हैं। तो फिर कश्मीर फाइल पर इतना शोर शराबा क्यों? क्योंकि पिछले साल रिलीज मूल रूप से तमिल में बनी फिल्म जय भीम ने बॉक्स ऑफिस पर जो सफल रही है, पर विवाद मूल कथा और पात्रों की जाति और धर्म को बदलने पर भी है। तो इसे हर तरफ से समझने की हम कोशिश करते हैं। और आप अगर हम किसी भी चीज की यहां पर बात कर रहे हैं तो पूरे वीडियो को देखने के बाद आप किसी निष्कर्ष पर पहुंचिएगा। चलिए अब हम देखें इसे व्यापक रूप से। पहली बात कि अगर कोई फिल्मकार किसी फिल्म का निर्माण करता है तो आम विषय से लेकर संवेदनशील विषय तक दो पक्ष होंगे, एक नायक तो दूसरा खलनायक, और संवेदनशील की अगर हम बात करें तो एक जुल्म करने वाला दूसरा जुल्म सहने वाला।
अब आम विषय में एक तरफ ठाकुर है तो दूसरी तरफ गब्बर सिंह है, लेकिन संवेदनशील मुद्दों पर दो पक्षों में दो अलग अलग जाति, धर्म, नस्ल या लिंग हो सकते हैं। अब सवाल यह है कि इसमें गलत क्या है? तो ऐतिहासिक रूप से जाति, नस्ल, लैंगिक, इन आधारों पर जुल्म करने और शोषण करने के प्रमाण मौजूद हैं, इसमें कोई भी दो राय नहीं है और यह बात सही भी है। लेकिन विवाद या मतभेद तब शुरू होता है जब हम ऐतिहासिक घटनाओं की एक निश्चित समय सीमा तय कर देते हैं। मतलब ये कि जब हम इतिहास को 1947 की दहलीज तक ही रखते हैं या 1984 की दहलीज तक ही रखते हैं, या शोषण करने और शोषित होने की ऐतिहासिक आधार पर ही मानने की सोचते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यहां पर यह है कि जब यह हम यह सोचते हैं कि अमुक वर्ग अगर इस जाति का है तो यह शोषण ही करेगा और अमुक वर्ग अगर इस जाति का है तो उसका शोषण ही होगा, या जब हम यह देखते हैं कि अमुक वर्ग अगर इस मजहब का है तो उसके साथ शोषण ही होगा और यह अमुक वर्ग अगर इस मजहब का है या इसकी इतनी संख्या है तो यह शोषण ही करेगा। तो अगर ये आधार है हमारे पास ऐतिहासिक घटनाओं को सोचने, समझने और विश्लेषण करने की, तो निश्चित है कि कश्मीर फाइल की विषय वस्तु गलत है। आते हैं दूसरी बात पर कि अगर फिल्म गलत विषय वस्तु पर बनी है, मान लेते हैं चलिए, तो लोगों द्वारा बड़े पैमाने पर पसंद क्यों की जा रही है? तो इसका क्या अर्थ निकाले ये बताया जाए कि अगर लोग इस फिल्म को पसंद किया है लोगों ने तो इसका क्या अर्थ निकाला जाए कि देखने वाले लोगों की पसंद पर या उनकी मानसिकता पर सवाल या निशान लगाया जाए। चलो मान लिया कि ऐसे लोग हैं जो आज के इस माहौल में सांप्रदायिकता के रंग में रंगे जा चुके हैं, तो फिर तो समाज के उन बुद्धिजीवियों की क्षमता पर प्रश्न उठता है कि उनके रहते ऐसा कैसे संभव हो पाया। संविधान जिसके कई मूल आधारों में एक पंथनिरपेक्षता है कि इन संरक्षकों के रहते हुए, मतलब संविधान के इन संरक्षकों के रहते हुए यह आधार पंथनिरपेक्षता आखिर कमजोर क्यों हो रहा है, सोचने की बात तो जरूर है। तीसरी और महत्वपूर्ण बात, ऐतिहासिक एवं संवेदनशील मुद्दों पर अगर फिल्म निर्माण किया जाता है तो फिल्म बनाने वालों को फिल्म के निर्माण में अभिव्यक्ति जो संविधान से मिली हुई है उसके उत्तरदायित्व पर भी उन्हें पूरा ध्यान देना चाहिए। इसमें मजहबी रंग नहीं होना चाहिए और किसी प्रोपेगेंडा का हिस्सा भी नहीं बनना चाहिए। जानकारी देना, मनोरंजन करना, इन दोनों के साथ साथ समाज के प्रति उत्तरदायित्व को भी फिल्म निर्माणकर्ता को नहीं भूलना चाहिए। अब अंत में कि जिस संविधान की दुहाई हम हर बात में देते हैं वही संविधान विचार की अभिव्यक्ति में सभी को अभिव्यक्त करने की आजादी देता है, चाहे उस वर्ग की संख्या बड़ी हो या छोटी। किसी घटना को देखने का पक्ष न्यूट्रल होना चाहिए, संतुलित होना चाहिए, ना कि बाएं हाथ या दाएं हाथ। आप इसका इशारा समझ गए होंगे, क्योंकि किसी भी एक हाथ पर आधारित घटना लिखने की आपकी क्षमता आपकी बौद्धिक विकलांगता को ही दर्शाती है। कश्मीर फाइल कैसी फिल्म है या कोई अकेले विवाद की विषय वस्तु नहीं है, लेकिन किसी भी इस तरह के विवाद में शामिल होने और निर्णय पर पहुंचने से पहले हमें यह भी टटोलना होगा कि विवाद में शामिल होने से पहले और निर्णय तक पहुंचने में आप अपनी जाति और धर्म के पूर्वाग्रह, मतलब पहले से तय सोच से प्रेरित थे या नहीं, और हाँ, आपका इस विवाद से भावनात्मक लगाव से अलग दूसरे हित कितने पूरे हो रहे हैं, इस पर भी विचार करना होगा। तो इसके साथ ही कश्मीर फाइल से हालिया जुड़े हुए विवाद के इर्द गिर्द हमने अपनी एक सोच आप तक रखी है। आपको यह सोच कैसी लगी, इस पर निष्पक्ष होकर आप हमें कमेंट में बताएं। इसके साथ ही इस वीडियो को यही विराम देते हैं, फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में। नमस्कार। Don't forget to like, share and subscribe to our channel and press the bell icon to never miss an update.